तो हाय गाइस, मैं हूँ पवित्र और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स ब्लॉगर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा जो पीछे का जो टैंक है, एक लो कॉस्ट टैंक है, तो इसको मैंने कैसे बनाया, कैसा कॉस्ट है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो गाइस, प्लांटेड टैंक्स सेटअप करने से पहले मैं आपको सॉइल के बारे में जो है वो मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग बाजार में जो एक्वेरियम शॉप में जो सॉइल मिलता है वो प्लांटेड टैंक के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो उसी के लिए बना है तो वो बेस्ट है। लेकिन मुझे यहाँ पर जो है जो लो प्राइस में मेरा जो टैंक है वो सेटअप करना है, तो मैंने यहाँ पर मेरा जो टैंक का जो फर्स्ट लेयर है मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का रखा है। ये गार्डन में यूज़ होता है वर्मी कंपोस्ट, आप किसी की तरह का कंपोस्ट जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी जो लेयर है वो यहाँ पर मैंने जो गार्डन का जो सॉयल होता है, नॉर्मली जो गार्डन का सॉयल होता है वही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा साफ करके डाला हूँ। इसके बाद आपको जो है लगभग 1.5 से 2 इंच का सैंड का जो एक लेयर बनाना होगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सैंड का लेयर जो है वो थोड़ा कम करके आप सैंड डालोगे तो बाद में होगा क्या कि अंदर का जो मिट्टी वगैरह है वो पानी में घुल के ऊपर आना स्टार्ट होगा और आपका जो एक्वेरियम का जो पानी है वो धीरे 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 क्लाउडी होना शुरू होगा, ठीक है, और आपका पानी पूरा गंदा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको जो सैंड है, सैंड का एकदम मोटा 1.5 से 2 इंच का एक लेयर बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर जो सैंड यूज़ किया हूँ, ये घर बनाने के लिए जो सैंड यूज़ होता है तो वही सैंड मैंने यूज़ किया हूँ। आप लोग ये सैंड यूज़ कर सकते हो और बाज़ार में भी, दुकान में भी, या फिर हम जो दुकान है शॉप है उसमें भी आपको सैंड मिल जाएगा, तो आप वो उस वहाँ पर से भी सैंड खरीद सकते हो, ठीक है। तो गाइस, आप बारी आती है प्लांट्स की, तो आप लोग आपके हिसाब से ये जो प्लांट्स आप लोग चूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जितने भी सारे जो प्लांट मैंने यूज़ किया हूँ ये सब लोटेक प्लांट है, बिना CO2 ये सब प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सामने की तरफ जो है वे ड्रॉप सजेटेरिया कुछ यूज़ किया हूँ, उसके पीछे जो है मैंने जो गोल पत्ते वाला जो बड़ा पत्ता वाला जो बाकोबा है वो मैंने लगाया, उसके पीछे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा वेलिसनेरिया है, बीच में थोड़ा सा अमेजन टोड है। प्लांट्स जो है वो आप लोग जब प्लांट्स एक्वेरियम में लगाएंगे तो उसके बीच बीच में आपको पानी जो है वो स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा देर तक अगर प्लांट्स ड्राई होंगे तो आपका प्लांट जो है वो सूख के मर सकते हैं, ठीक है। तो आप बीच बीच में थोड़ा सा पानी जो है वो स्प्रे करते रहना,